हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। अच्छी खबर आ रही है ICMRNIN यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद की तरफ से। यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट की, टेक्नीशियन की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट निकली हुई है। एमटेक वाले, बीटेक वाले, डिप्लोमा वाले, आईटीआई वाले फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। मैंने फॉर्म भर के देखा है, एक्सपीरियंस का कॉलम है, लेकिन अगर आप वहां पे कुछ भी नहीं डालेंगे तो भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। भाई लोग, आप जैसे कि जानते हैं GACL है और कुछ छोटी छोटी जो इंस्टीट्यूट है, ये अपना एक ही पोर्टल बनाते हैं रिक्रूटमेंट का, और उसमें फ्रेशर्स का भी रिक्रूटमेंट करते हैं, एक्सपीरियंस वालों का भी रिक्रूटमेंट करते हैं। तो ये कुछ इसी तरीके का पोर्टल है, जो नोटिफिकेशन है वहां पे एक्सपीरियंस आपके लिए कोई भी नहीं मांगा गया है। फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, डिटेल में बताता हूँ। मैंने फॉर्म भर के देखा है, वहां पे एक्सपीरियंस का कॉलम है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमको उसको स्किप कर देने का है। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रेड पे रहता है 4200, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यानी कि जूनियर इंजीनियर के बराबर की सैलरी रहती है। डिटेल में हम पूरी नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, बस आपको आखिरी तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो भाई लोग, जैसा मैंने बताया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद में टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन और मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट निकली हुई है। एमटेक, बीबीटेक, डिप्लोमा, आईटीआई फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लाइन से हम बात करते हैं, सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बात करते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सैलरी मिलेगी आपको ग्रेड पे 4200, यानी कि जूनियर इंजीनियर को जितनी सैलरी मिलती है उसके बराबर आपको सैलरी मिलेगी। ग्रेड पे है 4200, यानी कि स्टार्टिंग 35400 से लेकर 3% इंक्रीमेंट होते होते सालाना 1,12,400 तक ये पहुंचेगा। लेवल 6 सैलरी जो है ये लेवल 6 के हिसाब से 7th CPC में। ब्रांचेस के बारे में बात करूं तो कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे पहले पोस्ट है, बीबीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी वाले अप्लाई कर सकते हैं जो कि जरूरी है, लेकिन एमटेक इन कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके पास एमटेक नहीं है, बीबीटेक खाली है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस मांगा गया है। जो डिजायरेबल में एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, जबकि एसेंशियल में एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। यानी कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिविल में बीबीटेक सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा सिविल के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वालों को यहाँ पे कंपलसरी है एक्सपीरियंस होना, बीबीटेक वाले सिविल वालों को कंपलसरी नहीं है एक्सपीरियंस होना। डिप्लोमा वालों को विदाउट एक्सपीरियंस भी यहाँ पे पोस्ट है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो सिविल में बीबीटेक सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा इन सिविल प्लस 2 एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, और डिजायरेबल अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, इसके अलावा कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आपको प्राथमिकता मिलने के पूरे चांसेस हैं। इसके बाद मैकेनिकल में बीबीटेक मैकेनिकल फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा मैकेनिकल प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल में वर्क एक्सपीरियंस है प्लस कंप्यूटर अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल में पोस्ट है, बीबीटेक इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस रखा गया, अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है प्लस कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फार्मेसी में पोस्ट निकली हुई है, डिग्री है फार्मेसी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फूड एंड न्यूट्रिशन में पोस्ट निकली हुई है, डिग्री है फूड एंड न्यूट्रिशन में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कम्युनिकेशनिस्ट की पोस्ट निकली हुई है, डिग्री आपके पास कम्युनिकेशन में है, जर्नलिज्म में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंस, लाइफ साइंसेस, कंटेंट डेवलपर के अंदर पोस्ट निकली हुई, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। इकोनॉमिक्स, सोशल साइंस, बायोकेमिस्ट्री और भी बहुत सारे ब्रांच वाले, डिग्री वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए बीबीटेक सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस वालों के लिए पोस्ट है, फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद जो टेक्नीशियन की पोस्ट निकली उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुल मिलाकर निकली हुई है 16 पोस्ट, अनरिजर्व है 8। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो सैलरी सेकंड लेवल में 7th CPC के हिसाब से 19,900 से लेकर 23,200 के बीच मिलेगी, यानी कि ग्रेड पे रखा गया 1900 का और पे स्केल है 5,200 से लेकर 20,200 के बीच वाली। सिविल में जो पोस्ट निकली हुई है, 12th पास आउट है आप, 10th पास आउट है आप, 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है या फिर ITI किया हुआ है सिविल में, ड्राफ्टमैन सिविल में तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 3 साल का डिप्लोमा है प्लस कंप्यूटर की नॉलेज है आपको तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल में 12th पास आउट है या फिर अगर आप 10th पास आउट है प्लस 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है या फिर ITI किया हुआ है या फिर ड्राफ्टमैन है आप इलेक्ट्रिकल में तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, या फिर 3 साल का डिप्लोमा है प्लस कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं।
इसके बाद मैकेनिकल के अंदर 12th पास आउट है या फिर 10th पास आउट है, एक साल का डिप्लोमा किया हुआ या फिर ITI किया हुआ मैकेनिकल में, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ प्लस कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फोटोग्राफी में 12th पास आउट है या फिर आप 10th पास आउट है प्लस 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ या फिर ITI किया हुआ फोटोग्राफी में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ आपने डिजिटल फोटोग्राफी में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ की 3 पोस्ट निकली हुई है, अनरिजर्व है 2। 10th पास आउट वाले बेसिकली हर कोई अप्लाई कर सकता है, ग्रेड पे 1800 रुपए है मिनिमम, 18000 रुपए पर मंथ, और 3% इंक्रीमेंट के साथ ये बढ़ के 56900 रुपए तक पहुंच सकता है। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं तो एज लिमिट टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 30 साल रखी गई है, टेक्नीशियन के लिए 28 साल, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 25 साल रखी गई है। रिजर्वेशन है SC ST OBC वालों के लिए और एज कैलकुलेट की जाएगी 24/12/2018 के हिसाब से, यानी कि 24/12/2018 तक आपकी उम्र एज लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फॉर्म भरने की फीस 300 रुपए रखी गई है, DD के थ्रू आपको फॉर्म भरना है, डायरेक्टर NIN हैदराबाद, कोई भी बैंक से आप, कोई भी नेशनल बैंक से आप DD बनवा सकते हैं, और 300 रुपए की DD बनवाना है, कोई भी फीस नहीं है। SC ST वुमेन कैंडिडेट्स के लिए DD और एप्लीकेशन फॉर्म आपको सेंड भी करना है भाई लोग, जी हाँ। ऑफलाइन अप्लाई करने की आखिरी डेट यानी कि हार्ड कॉपी सेंड करने की आखिरी डेट 8/1/2019 तक है, जबकि ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी डेट 24/12/2018 तक है। 24/12/2018 तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन का आपको प्रिंट आउट लेके अपने DD के साथ भेजना पड़ेगा आपको पते में, और उसकी लास्ट डेट रखी गई है 8/1/2019, और इस एप्लीकेशन के साथ बेसिकली आपके दूसरे सर्टिफिकेट जैसे कि आपका एज प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपने पढ़ाई की है वो सबके सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह भी आपको पहुंचाने पड़ेंगे। एग्जाम रिटर्न एग्जाम होगा, सेंटर दे दिया गया है, NIN हैदराबाद में होगा, डेट अनाउंस नहीं की गई है। आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर पोस्ट के लिए अलग से आपको फीस भरनी पड़ेगी। आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हर पोस्ट के लिए अलग से अप्लाई कीजिए, अलग से आप फीस भरिए, लिखा हुआ या नोटिफिकेशन में। तो भाई लोग यही थी कुछ बातें जो आज मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर करना, इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बता दो भाई अच्छी जॉब निकली हुई है NIN हैदराबाद में, फॉर्म भरते हैं चलते हैं रिटर्न टेस्ट देने के लिए। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग, जय जवान जय किसान।